बिजली मंत्री चौ रणजीत सिंह की सिरसा क्लब में मीटिंग की भनक लगते ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान सिरसा क्लब के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे के साथ चौ रणजीत सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देखो आज का जो प्रदर्शन है ये बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा पूरे देश के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है तीन काले कानूनों के खिलाफ, और किसानों की वोटें लेकर के चाहे वो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हों और चाहे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हों, वो बीजेपी के खिलाफ वोटें लेकर के वो सत्ता के अंदर आए और उन्होंने किसानों से ये वादा किया था कि जब भी आपके ऊपर आँच आई मैं इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। सो आज किसानों के ऊपर भारी जुल्म हो रहा है। आज किसान जो हैं वो दो महीनों से डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, लगातार उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनकी बिजली काटी जा रही है, उनका पानी बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है देशद्रोह की धाराएं लगाई जा रही हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के हरियाणा की जनता ने, सभी किसान के संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया हुआ है कि किसी भी गांव के अंदर चाहे वो बिजली मंत्री हो और चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, हर गांव के अंदर उनका विरोध किया जाएगा। तो जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे को ये पता लगा कि बिजली मंत्री जो हैं वो यहाँ पे सभा करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पर उनका विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए कि अगर आप किसानों के हक के अंदर नहीं हो तो किसान भी आपके हक में नहीं है, इसलिए उनका विरोध करने के लिए यहाँ पे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो यहाँ पे हाजिर हुआ है। वो आप अभी भी उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं? जी हाँ, हम कहते हैं कि इस्तीफा दे दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वरना उनको गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा।